नमस्कार दोस्तों, एमबी वेल्थ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में, क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी दिनों से अपर सर्किट में चल रहा है। तो लोगों की ये इच्छा है जानने की कि ऐसा स्टॉक के अंदर क्या हो रहा है कि ये लगातार अपर सर्किट में चल रहा है। और दोस्तों साथ में हम ये भी जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आलोक इंडस्ट्री को एक्वायर किया है तो उसके पीछे मकसद क्या है, क्योंकि कंपनी काफ़ी कर्जे में दब चुकी थी ये आलोक इंडस्ट्री, तो इसको खरीदने का क्या मकसद है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे इसके फंडामेंटल एनालिसिस और देखेंगे कंपनी की जो प्राइस है वो इसके फंडामेंटल को सपोर्ट करता है कि नहीं, या ऐसे ही सिर्फ एक वेव्स है उसके अंदर ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। और दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे इसके बिजनेस एनालिसिस की और देखेंगे कंपनी का बिजनेस कैसा है। और दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे वाई एक क्वेश्चन कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आलोक इंडस्ट्रीज को क्यों एक्वायर किया, उसके पीछे इसका मकसद क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे कि स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आलोक इंडस्ट्रीज ये फिलहाल 36.15 के आसपास ट्रेड कर रहा है और आज भी ये अपर सर्किट में था। तो दोस्तों अगर आप नीचे देख पा रहे हो चार्ट के अंदर, मैंने इसका लाइफ टाइम चार्ट लगाया है, जैसा कि आप देख पा रहे हो कंपनी 2008 के अंदर अपना हाई बनाती है, लाइफ टाइम हाई 108 रुपीज़। फिर उसके बाद ऐसा क्या होता है कंपनी के अंदर कि कंपनी का प्राइस लगभग 4 रुपये के आसपास आ जाता है, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं इसके कुछ फंडामेंटल्स। जैसे कि आप देख पा रहे हो इसकी बुक वैल्यू है नेगेटिव के अंदर 106 रुपी। अगर हम बात करते हैं इसके प्राइस अर्निंग रेशियो की तो वो लगभग 2.18, काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस अर्निंग रेशियो है। अगर हम इस प्राइस अर्निंग रेशियो देखते हैं दोस्तों लास्ट 12 मंथ का तो 0.80, वो भी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव प्राइस अर्निंग रेशियो है। EPS देखते हैं तो दोस्तों लगभग 40.84, मतलब समझ पा रहे हो आप दोस्तों, अर्निंग पर शेयर मतलब कंपनी का जो प्राइस है वो 36 है और जो अर्निंग पर शेयर है वो 40 है, मतलब फिलहाल जो कंपनी जिस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रही है उससे ज़्यादा तो ये अर्निंग पर शेयर कमा रहा है। उसके बाद दोस्तों अगर हम इसका मार्केट कैप देखते हैं तो लगभग 4,500 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। प्राइस टू बुक वैल्यू इसके पास है नहीं। अगर हम इसकी हिस्टोरिकल पी देखते हैं तो दोस्तों वो लगभग 5.22, वो भी कोई ज़्यादा नहीं है अगर हम देखते हैं बाकी कंपनियों की तुलना में, तो इसका हिस्टोरिकल पी भी काफ़ी कम ही रहा है। लेकिन दोस्तों अगर EPS ग्रोथ देखते हैं 5 ईयर की तो काफ़ी बेहतरीन है, 47.62%। और दोस्तों अगर PEG रेशियो देखते हैं तो वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, 0.05। और हम डिविडेंड कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी डिविडेंड देती नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं इसकी सेल्स एक्सपेंस ऑपरेटिव प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, तो ये हम 2009 से देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो कंपनी ने 2009 के अंदर लगभग 3,000 करोड़ की सेल्स की, 2317 के आसपास एक्सपेंस था, 703 के आसपास इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 74.05 इसका नेट प्रॉफिट था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो काफ़ी अच्छा था लेकिन नेट प्रॉफिट काफ़ी वीक था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 2010 की तो कंपनी की सेल्स अच्छी ग्रो की, लगभग 4,327 के आसपास इसकी सेल रही। अगर एक्सपेंस की बात करते हैं तो 3254 के आसपास इसके एक्सपेंस रहा। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो 1072 के आसपास इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, काफ़ी अच्छा इंप्रूव किया इन्होंने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 137.71, तो वहाँ पर नेट प्रॉफिट में भी इन्होंने इम्प्रूव किया। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं 2011 की तो यहाँ पे अंदर कंपनी की जो सेल्स थी वो 6,614 करोड़ के आसपास सेल्स थी, वहाँ के भी कंपनी ने अपनी अच्छी सेल्स ग्रो की, एक्सपेंस भी काफ़ी बड़ा, लगभग 4,828 के आसपास इसका एक्सपेंस रहा, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, 1786 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी कंपनी ने अच्छा जो जनरेट किया वो 311 करोड़ का। उसके बाद दोस्तों अगर हम मार्च 12 की बात करते हैं तो कंपनी का जो सेल्स था वो जबरदस्त ग्रो हुआ, 9,784 करोड़ का जो सेल्स थी, एक्सपेंस था 7,443। और अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो 2341 के आसपास इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, काफ़ी अच्छी ग्रो हुआ, लेकिन नेट प्रॉफिट काफ़ी वीक रहा इस टाइम। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसके मार्च 13 की, सितंबर 13 दोस्तों
सितंबर 13 में हम देख पा रहे हैं कि जो इसकी सेल्स थी वो लगभग डबल से ज़्यादा हो गई, 21,388 करोड़ की सेल्स हो गई। एक्सपेंस की बात करते हैं तो 16,462, अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो 4,926, लगभग 5,000 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट किया, लेकिन नेट प्रॉफिट वही वीक था 296 करोड़। उसके बाद दोस्तों मार्च जो 14 है उसके पास डाटा अवेलेबल है नहीं। उसके बाद हम मार्च 15 में चलते हैं तो मार्च 15 में भी कंपनी ने तो अच्छा ग्रो किया, 21,000 करोड़ से लगभग 24,000 करोड़ के पास सेल्स लेके चले गए, एक्सपेंस भी लगभग 19,000 करोड़ के आसपास चला गया और जो प्रॉफिट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो 5,000 को क्रॉस कर गया, लेकिन नेट प्रॉफिट यहाँ भी वीक रहा 258 करोड़। दोस्तों अब आता है मार्च 16, 2016। दोस्तों यहाँ पे कंपनी की जो सेल्स है वो आधी हो गई, 24,000 से 12,000 करोड़ के आसपास आगे, लगभग 13,000 करोड़ आप मान सकते हो। एक्सपेंस की बात करते हैं तो ज़्यादा हो गए कि जो सेल्स थी उससे ज़्यादा एक्सपेंस हो गए, 15,620 करोड़। यहाँ पे ऑपरेटिंग लॉस हो गया कंपनी को लगभग 2,500 करोड़ का। और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो वो तो चला ही गया, लगभग 4,000 करोड़ के आसपास कंपनी को नेट लॉस हुआ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि कंपनी ऑपरेटिंग तो लॉस कर रही है वो तो लगभग 2,500, लेकिन जो नेट जो लॉस कर रही है वो दुगना है उससे। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं मार्च 17 की, यहाँ पे कंपनी की सेल्स और डिक्रीज हुई, एक्सपेंस फिर भी यहाँ भी बढ़ा, 10,000 करोड़ के आसपास एक्सपेंस रहा और 1,300 करोड़ का कंपनी को ऑपरेटिंग लॉस हुआ और नेट लॉस लगभग 3,000 करोड़ के आसपास हुआ। उसके बाद दोस्तों आता है सबसे खराब ईयर इसके लिए मार्च 18 के अंदर, जहाँ पे कंपनी खत्म हो गई, सेल्स तो 5,000 करोड़ की रहेगी लेकिन जो एक्सपेंस है वो 19,000 करोड़ के आसपास चला गया देख पा रहे हो आप। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो लॉस हुआ 13,500 करोड़ का और नेट प्रॉफिट की तो बात करते हो तो 18,500 करोड़ का नेट लॉस, यहाँ पे कंपनी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। उसके बाद मार्च 19 की बात करते हैं तो दोस्तों सेल्स तो यहाँ भी घटी है, लगभग 3,352 करोड़ की सेल्स रही। एक्सपेंस की बात करते हैं थोड़ा कम किया है कंपनी ने, लेकिन इतना कम नहीं कर पाया कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट कर सके, ऑपरेटिंग लॉस ही रहा लगभग 129 करोड़ का लॉस रहा, लेकिन नेट प्रॉफिट 2,000 करोड़ का। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है भाई, 2,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट कहाँ से हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी की काफ़ी चीज़ें होती हैं कि कंपनी अपने एसेट सेल कर देती हैं कुछ और, क्योंकि आपको सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो देखो वहाँ डायरेक्ट प्रॉफिट आपको पता चल पा रहा है, उसके बाद तो कंपनी इंटरेस्ट देती है, काफ़ी चीज़ें कन्वर्ट होकर आपको नेट प्रॉफिट मिलता है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको क्लियर दिखा जाता है कि कंपनी की सेल्स कितनी है, एक्सपेंस कितना और यहाँ सीधा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और दोस्तों अब हम बात करते हैं कि कंपनी की जो ये हालत हुई वो किस रीज़न से हुई है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो, अगर हम तीन चीज़ें देख रहे हैं, नेट प्रॉफिट आपको ग्रीन लाइन में दिखेगा, इंटरेस्ट जो कंपनी लोन लिया था उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रही थी वो आपको येलो लाइन में दिखेगा, और बोरोइंग कंपनी के ऊपर कर्जा कैसे कैसे बढ़ा है वो आपको रेड लाइन में दिखेगा। तो आप ग्राफ में देख सकते हो, आसानी से आपको पता चल जाएगा कि कंपनी की हालत क्यों हुई है। कंपनी लगातार अपने जो बोरोइंग है वो बढ़ाती चलेगी, 25,000 अगर मार्च 19 के अंदर मार्च 18 के अंदर आप देखते हो तो लगभग 27,500 करोड़ का बोरोइंग थी इसके ऊपर, और कंपनी खुद 5,000 करोड़ की है। और अगर हम बात करते हैं मार्च 19 के अंदर तो वो भी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन 25,000 करोड़ के आसपास इसकी बोरोइंग है रेड लाइन में आप देख पा रहे हो, ऊपर से आप इंटरेस्ट देख पा रहे हो तो लगभग कंपनी 4,308 करोड़ का तो ब्याज देती है भैया। अगर मार्च 19 के अंदर इसने 2,000 करोड़ कमाई भी है ना, तो वहां तो इसके ब्याज ही नहीं दे पाएगी कंपनी, क्योंकि ब्याज तो है 4,000 करोड़ और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 2,000 करोड़, तो या तो ब्याज भी नहीं दे पा रही है, तो जो बोरोइंग है जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कंपनी कैसे चुका पाएगी, तो कितनी खराब कंडीशन आप देख पा रहे हो। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, क्योंकि ये काफी कंफ्यूजन है, क्योंकि इसके अंदर प्रमोटर को दिखा रखा है लगभग 6.15 और यहाँ पे दिखा रहा हाईएस्ट पब्लिक होल्डर दिखा रखा है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 37.7। ये भी दोस्तों एकदम क्लियर नहीं है, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों प्रमोटर यहाँ पे अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज बन चुका है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास शेयर है इसके 37.7%। उसके बाद अगर हम बात करते हैं FIIs की, लगभग 5 FIIs ने इसके अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, 1.0% स्टेक FIIs ने ले रखी है। उसके बाद अगर हम म्यूचुअल फंड की देखते हैं तो एक स्कीम ने इसके अंदर इन्वेस्ट कर रखा है और 0% होल्डिंग है, मतलब काफ़ी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया होगा। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, क्योंकि दोस्तों ये जो मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको दिखा रहा हूँ ये ब्लूमबर्ग की जो वेबसाइट है उसके ऊपर से दिखा रहा हूँ, क्यों आपका एकदम फैक्ट है वहाँ पे, आपको मतलब ऐसा नहीं कह सकते वहाँ पे गलत नहीं मिल सकता, लेकिन काफ़ी रिलायबल जो वेबसाइट है, तो आपको एक ऐसा कॉमेंट मत करना कि आपको पता नहीं है ये नहीं, क्योंकि मैं एक जो काफ़ी बिलीवेबल वेबसाइट है उससे आपको ये डाटा दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों जहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज को इन्होंने NII की कैटेगरी के अंदर रख दिया है,
और दोस्तों अब हम बात करते हैं इसकी डील्स की कि रिलायंस इंडस्ट्री ने इसके अंदर डील किया है, जो जेएम फाइनेंस कंपनी उसके अंदर दोनों ने मिलकर इसके ऊपर बिडिंग की है। जैसा कि आप देख पा रहे दोस्तों, अगर मैं सिर्फ नाम लूंगा रिलायंस इंडस्ट्रीज का, आप समझ जा रहे हैं उसके साथ की जो पार्टनर कंपनी है उसका भी नाम ले रहा हूं। जैसा कि आप देख पा रहे दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री ने इसको बिडिंग की इसके ऊपर लगभग 5,050 करोड़ इसकी कंपनी इसके अंदर रिलायंस इंडस्ट्री ने इसको खरीद लिया। उसके बाद देखते हो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिलायंस इंडस्ट्री ने जो 4,450 करोड़ की बात करते हैं, 4,550 करोड़ है वो तो रिलायंस इंडस्ट्री दिए नहीं, उन्होंने इसको लोन अप्रूव करवा दिया कि हम इस ये बैंक से लोन देते रहेंगे, ये हम बैंक से लोन ले लिया। उसके बाद दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री ने रुपये दिए सिर्फ 500 करोड़। देख कमाल कर रहे ना, 5,000 करोड़ की कंपनी 500 करोड़ रुपये दे के ही खरीद लिया, ये इसकी एक डील थी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट देख पा रहे दोस्तों, इसको आप एकदम ध्यान से देखो कि रिलायंस इंडस्ट्री ने अलोक इंडस्ट्री ने लगभग 83.3 करोड़ इक्विटी शेयर इशू किए ऑफ ₹1 एट द प्रीमियम ऑफ ₹2 पर इक्विटी शेयर। रिलायंस इंडस्ट्रीज को दिया है ₹2 पर शेयर के, और रिलायंस इंडस्ट्री ने इसके 250 करोड़ इसमें इन्वेस्ट किया है। पहले देख पा रहे हो 500 करोड़ के थे, लेकिन 250 करोड़ के शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिला है, उससे रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो होल्डिंग है वो 37.7 हो गई है। उसके बाद आप देखो नीचे जो मैंने रेड कलर की जो हेडलाइन बना रखी है उसमें देखो कि अलोक इंडस्ट्रीज हैज अलॉटेड 250 करोड़ 9% ऑप्शनली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर OCPS, मतलब लगभग 250 करोड़ के उन्होंने OCPS इशू किए हैं जो कि प्रेफरेंस शेयर है, वो अभी इक्विटी शेयर नहीं है। तो दोस्तों अगर मान लो आने वाले समय में रिलायंस इंडस्ट्रीज इसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करती है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की साथ में उसकी जो पार्टनर कंपनी जेएम फाइनेंस उसकी भी बात कर रहा हूँ, उनकी होल्डिंग इसके अंदर हो जाएगी लगभग 75% के आसपास होल्डिंग इन दोनों कंपनी की हो जाएगी। तो ये सीधी भाषा में आपको इसकी डील समझ में आई होगी कि कैसे की डील हुई है कंपनी के ऊपर, जो 5,000 की बिडिंग हुई थी उसके अंदर से लगभग 4,500 करोड़ तो बैंक के थ्रू कर दिया कि लोन वाया लोन से चुकाएंगे, और 500 करोड़ कंपनी ने रिलायंस एनर्जी ने इसको दे दिए। तो ये इनकी डील थी। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके बिजनेस एनालिसिस की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो अलोक इंडस्ट्रीज का बिजनेस एक टेक्सटाइल बिजनेस है, यहाँ पे रॉ मटेरियल भी बनाते हैं, अच्छे खासे काफ़ी कपड़े भी बनाते हैं, क्लोथिंग की काफ़ी इसकी ब्रांड है। तो यहाँ पे मतलब जो क्लोथिंग के टेक्सटाइल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ना वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी, मतलब अगर इस कंपनी को आपने खरीद लिया तो आपको जो टेक्सटाइल से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट आपको आराम से मिल जाएगा, और यही मेन पॉइंट था रिलायंस इंडस्ट्रीज को इसको खरीदने का। इसके बारे में बहुत ही डिटेल से हम जानेंगे अभी, आप वेट करिए। तो दोस्तों ये है रिलायंस रिटेल, इसको तो आप जानते ही हैं क्योंकि ये इंडिया की नंबर वन रिटेल कंपनी है, और आपको पता है इसका जो मैक्सिमम जो रेवेन्यू जाता है सेल्स आती है वो क्लोथिंग से आती है, टेक्सटाइल से आती है। जैसे आप देख पा रहे इसकी ब्रांड्स हैं जोन प्लेयर, जिन्होंने फिलहाल के अंदर इन्होंने ITC से खरीदी है, नेट प्ले, पॉइंट कर्व, नेटवर्क, DN Max, अवावा, फिज, मतलब टीम स्प्रिट, काफ़ी अच्छी अच्छी फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी ब्रांड इस रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। तो इसके बारे में हम थोड़ी देर बात करेंगे कि मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज को आपको क्यों दिखाया। पहले हम बात करते हैं जियो की। भाई जियो को तो सभी जानते हैं कि इतनी इसके अंदर डील हो रही है, तो डेली ये न्यूज़ के अंदर ही रहता है। दोस्तों आपको पता है कि अपने मोटा भाई ने प्लान किया कि भाई जियो तो लॉन्च कर दिया, उसके बाद इन्होंने एक ब्रॉडबैंड सर्विसेज स्टार्ट की कि डाटा प्रोवाइड करेंगे एज ए ब्रॉडबैंड। तो मोटा भाई चाहते थे कि भाई इंडिया के अंदर जो दबदबा हो ब्रॉडबैंड का वो इसका ही हो। तो जियो ने क्या किया, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने क्या किया, दो जो टॉप प्लेयर थे हार्टवे केबल और डेनोट्रक जो कि ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करते थे, इनको एक्वायर कर लिया भैया। अब जो आपको पता है महाराष्ट्र के अंदर हार्टवे ऑपरेट करता है अपने सर्विसेज, और दिल्ली NCR एरिया के अंदर हार्टवे और डेनोट्रक में कंट्रोलिंग स्टेक लेकर जो TV18 ब्रॉडकास्ट और नेटवर्क 18 के अंदर मर्ज कर दिया है। तो यहाँ से गेम खत्म हो गया, ब्रॉडबैंड के अंदर अंबानी भाई साहब इकलौते प्लेयर रह गए, और छोटी मोटी कंपनी काफ़ी है लेकिन जो मेजर प्लेयर है वो तो जियो ही है। उसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं आती है OTT प्लेटफॉर्म की, कि मैंने इसकी जो लास्ट AGM थी उसके अंदर सुना था कि जो उनका जो जियो का OTT प्लेटफॉर्म आएगा उसके अंदर आप डायरेक्ट मूवी देख सकते हो, कि जिस दिन सिनेमा के अंदर मूवी आएगी उस दिन आप इसके जियो के OTT प्लेटफॉर्म के अंदर भी मूवी देख सकते हो। तो वहाँ से अंबानी साहब ने प्लान बनाया ऐसे। देखो दोस्तों ये सिर्फ मेरी थिंकिंग है, मैं उसका बिजनेस प्लान समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है वो बहुत बड़ा आदमी है, उसके बिजनेस प्लान बहुत ही बेहतरीन है, और अपन जैसों की औकात भी नहीं है उसके बिजनेस प्लान समझने की या उसके जैसा बनने की, लेकिन हम उसका एनालाइज कर सकते हैं कि हम आइडिया लगा सकते हैं कैसा हुआ होगा, ये कोई श्योर नहीं है, लेकिन मैं अपनी थिंकिंग आपको बता रहा हूं। तो OTT प्लेटफॉर्म के लिए जो अपना मोटा भाई है उसने प्लान पहले ही बना रखा है,
उसने जो बालाजी टेलीफिल्म है उसके अंदर कंट्रोलिंग स्टेक ले रखी है 25%, क्योंकि आपको पता है कि बालाजी टेलीफिल्म एक बेहतरीन जो ओटीटी प्लेटफॉर्म की कंपनी है, जो कि काफ़ी सीरियल्स प्रोवाइड करती है, फिल्म भी मूवी भी प्रोवाइड करती है, जो कंपोज करती है, तो कि बेहतरीन कंपनी है, काफ़ी एक्सपीरियंस इसके अंदर क्रू है। तो जियो ने, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इसके अंदर भी लगभग 25% होल्डिंग ले ली है। तो दो आपको पता है कि क्योंकि आपको आपके अगर मान लो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, आपके खुद ही सारे जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, मतलब जियो के ओटीटी प्लेटफॉर्म है, अगर सीरियल भी आप खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आपके मार्जिन है वो काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपने एक नाम सुना होगा, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ये क्या काम करती है दोस्तों? आपको पता है कि पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज एक पेट्रोलियम कंपनी थी, पेट्रोल में ज़्यादा काम करती थी, आज भी करती है। बेसिकली इसका रेवेन्यू पेट्रोल और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट से ही आता है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो, जो इसका पहले से इनका ये एक स्ट्रेटेजी है कि अपनी जो मार्जिन है कैसे इंप्रूव किया जाए। तो इन्होंने क्या किया कि जो पेट्रोलियम के लिए अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना होता है, तो आपको पाइपलाइन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज की ये कॉन्ट्रैक्ट किसी दूसरी कंपनी को देगी, तो वहां पे उसके मार्जिन बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि अगली कंपनी भी इसमें प्रॉफिट कमाएगी। तो इन्होंने एक नई कंपनी बना दी, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये क्या करती है, जब रिलायंस एक जगह से अपना पेट्रोल दूसरी जगह पर सर्व करती है, तो वहां पर जो पाइपलाइन भेजती है उसका एक काम करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करती है रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। तो यहां पर इसकी जो ऑपरेटिंग जो मार्जिन है वो काफ़ी अच्छे हो गए, क्योंकि इनकी खुद की कंपनी है भाई, एक जगह से दूसरी जगह जो पाइपलाइन ले जा रही है वो उनकी खुद की कंपनी है। तो यहाँ पे इसके जो मार्जिन है वो काफ़ी अच्छे हो गए, इसलिए इन्होंने इस कंपनी को बना दिया। उसके बाद दोस्तों आप बात करते हैं रिलायंस रिटेल की, यहाँ आता है रिलायंस रिटेल। आपको पता है कि एक काफ़ी क्लोथिंग के अंदर इसका काफ़ी एक्सपोजर है, इसका जो रेवेन्यू है काफ़ी क्लोथिंग सेक्टर से काफ़ी आता है। तो जो मोटा भाई है उन्होंने आलोक इंडस्ट्रीज को इसलिए खरीदा, क्योंकि आपको पता है कि अगर आलोक इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल में बेहतरीन प्लेयर है, इसके पास सारा रॉ मटेरियल भी है, अच्छे ब्रांड भी है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो अपने ब्रांड है उनको इसके जो टेक्स्ट जो इसको कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास अगर क्लोथिंग का रॉ मटेरियल आ जाएगा, फॉर एग्जांपल समझते हैं कि आप मान लो आपको कुर्सी बनानी है, तो कुर्सी बनाने के लिए आपको प्लास्टिक की जरूरत पड़ेगी। अब मान लो आप किसी दुकान से प्लास्टिक लेके आते, तो वो भी तो उसके अंदर प्रॉफिट कमाएगा, आपका ऐसा तो देगा नहीं। तो आपने सोचा यार मैं एक प्लास्टिक की दुकान ही खोल लेता हूँ साथ में, तो आपने प्लास्टिक की दुकान भी खोल ली। अब क्या कि आपके पास प्लास्टिक भी है और कुर्सी बनाने की मशीन भी है, तो आपका जो मार्जिन है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपको एक बीच में जो कमीशन देना नहीं पड़ रहा किसी दूसरे को। तो ये सीन यहाँ पे है। अब रिलायंस इंडस्ट्री जो रिलायंस रिटेल है उसको कमीशन देना नहीं पड़ेगा अपने क्लोथ को प्रोड्यूस कराने में, उनको बनाने में कोई कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आलोक इंडस्ट्रीज से वो बना सकते हैं। ये मोटा मोटा इसका एक प्लान हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। जैसा कि मैं इसकी स्ट्रेटजी पहले से समझ रहा हूँ, काफ़ी दिनों से मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, उस हिसाब से मैं देख पा रहा हूँ कि आलोक इंडस्ट्रीज को एक्वायर करने का सीधा सा फंडा ये है कि रिलायंस रिटेल का जो मार्जिन है वो बढ़ाया जाए। तो दोस्तों आपको पता है कि आने वाले समय में रिलायंस रिटेल का IPO आएगा, तो इसका जो प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी वीक है, तो इसको इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि अगर आपको रॉ मटेरियल आलोक इंडस्ट्री जैसा रॉ मटेरियल मिल जाएगा आपको, वहाँ से क्लोथिंग आप आसानी से बनवा सकते हो, तो आपको जो प्रॉफिट जो मार्जिन है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाएंगे, लगभग 15% के आसपास पहुँच सकते हैं। तो यहाँ से जो रिलायंस रिटेल का IPO आएगा उसको काफ़ी वैल्यूएशन प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ पे इसलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आलोक इंडस्ट्रीज को एक्वायर किया है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसे खरीदने या ना खरीदने की। दोस्तों मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप आलोक इंडस्ट्रीज को खरीदें, क्योंकि ये एक स्ट्रेटजी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज को खरीद के भूल जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज को कोई मतलब नहीं है कि भाई वो प्रॉफिट में रहे या लॉस में रहे, उसको मतलब है रिलायंस रिटेल के मार्जिन को बढ़ाने में, कि रिलायंस रिटेल का मार्जिन इंप्रूव होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर उसके बारे में कौन बात करता है, कोई बात नहीं करता, वो ऐसे चलते रहते हैं, उसके बारे में कभी कुछ ज़्यादा बोला नहीं जाता, वो ऐसे चलते रहते। कभी कभी उसमें माहौल बन जाता है कि इसके पास बहुत ज़्यादा जमीन है रिलायंस, तो उससे काफ़ी वैल्यूएशन निकल के आएगी, ये 1500 का शेयर हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे चलता रहता है ये, इसके बारे में कोई ज़्यादा बातें नहीं होती। तो यही सेम आलोक इंडस्ट्रीज के साथ होने वाला है आने वाले समय में। तो मैं तो इसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा दोस्तों, आप इसको खरीदो, लेकिन आपकी इच्छा है, अगर आप इसको खरीदना चाहो तो खरीद भी सकते हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।